दोस्तों आज मैं आपको सुना रहा हूँ शौकत थानवी की कहानी मिठू बेटे, स्टोरी बॉक्स विद जमशेद कमर सिद्दीकी। हीरामन तोते का बच्चा। ये थी वो आवाज जो गर्मियों की चिलचिलाती दोपहर में लू के झोंके के साथ मेरी बेगम साहिबा के कान तक पहुंची और वो पंखा वंखा छोड़कर हड़बड़ा कर उठ बैठी। पहले तो हमारी तरफ देखा, लेकिन हम पहले ही समझ गए थे कि अब होने वाला ये है कि हमसे कहा जाएगा कि भाई इस धूप में निकलकर तोते वाले को बुलाओ। इसलिए मैंने जल्दी से आंखें बंद कर ली जैसे मैं सो रहा हूं। आखिर बेचारी ने गुलशन जो घर में काम करती है उसे बुलाकर तोते वाले को बुलाने की ड्यूटी सुपुर्द कर दी। अरे देख मेरी गुलशन, कहीं तोते वाला निकल ना जाए, भाग कर लपक कर बुला लो उसे। अरे खड़ी क्या है, जल्दी जाना। गुलशन ने दौड़कर आवाज दी तो लगा कि तोते वाला घर पर ही मौजूद था। पलटकर बोला, हाँ ये देखिए तोता, ऐसा नाजुक खूबसूरत और कीमती तोता आपको कहीं नहीं मिलेगा। और कहते हुए गुलशन के हाथ में 1, 2, 3, 4, 5 मतलब ये कि दर्जनों तोते के बच्चे बेगम साहिबा को पसंद कराने के लिए भेजे जाने लगे, जिनमें से एक आध पर दाम भी लगाए गए। लेकिन आखिर थोड़ी देर की 10 आना और 6 आना की हाँ ना के बाद एक डरावनी शक्ल का तोते का बच्चा 7 आने में खरीदा गया और पैसे लेकर तोते वाला विदा हो गया। अब हम भी जाग चुके थे, मतलब कि हमने भी आंखें खोल ली थी। हमको भी वो तोते का बच्चा इस शौक के साथ दिखाया गया जैसे अपनी कोई होनहार औलाद दिखाई जा रही है। लेकिन हमने उस तोते के बच्चे को हाथ में तो खैर लिया ही नहीं और देखा भी तो बहुत ही घिनौनी नजर से। बिना पंखों का वो परिंदा मुझे तो गोश्त की बोटी सा लग रहा था, लेकिन गौर से देखा तो कुछ और ही पाया। तोता तो खैर वो कहीं से लगता ही नहीं था, लेकिन उसको छोटी कौम के ऊंट का बच्चा कहा जा सकता है। वही लंबे लंबे पैर थे, लंबी सी गर्दन पर रखा हुआ हांडी नुमा सर, वही लटका हुआ पोटा, वही कुबड़ की जगह बेपर के बाजू। चोंच तो खैर थी लेकिन दुम वगैरह का पता नहीं चलता था, यानी यूं समझ लीजिए कि देखकर एक मतली सी आई, पर कुछ कह नहीं सके कि भाई बेगम साहिबा को बुरा लगेगा। भाई उनका प्यारा तोता जो था वो तो कितने जोश से तोते के बच्चे को गोद में लिए थी और हम उसके बारे में ऐसी बात कह देते तो ये ठीक नहीं था। इसलिए हम यही कहकर रह गए कि अभी बहुत छोटा है, कहीं मर ना जाए। बेगम साहिबा को ये बात बुरी लगी, वो जरा बिगड़ कर बोली, अरे खुदा ना करे ये मरे, हाँ मरे इसके दुश्मन, ये तो बड़ा अच्छा निकलेगा देख लीजिएगा। हाँ जाहिर है, मैंने कहा। जाहिर क्या है, जरा बढ़ने दीजिए फिर देखिएगा कैसे फर फर करके बोलेगा। आप उसके लिए कल एक खूबसूरत सा पिंजड़ा और 2 छोटी-छोटी प्यालियां ला दीजिएगा। हाँ हमने हाँ हूं करके बात टाल दी और अब ज्यादा अगर बातचीत करते तो तोते के लिए मोटर और साइकिल वगैरह की फरमाइश भी हो जाती। हम चुप होकर दूसरे कामों में लग गए। बेगम साहिबा भी अपने तोते का बच्चा देखने के लिए घर भर की औरतों को कहने के लिए चली गई। जब वो चली गई और तोता अकेला था, तब हम आहिस्ता से उसके पास पहुंचे, पूरे ध्यान से उसे देखा तो देखा ना गया। हमने छोड़ दिया उसको उसके हाल पर। मुझे तोता वोता यूं भी पसंद नहीं है, दिन भर घर में चेचे होती रहती है, अपडेटें भी सुनो। तो हमारे मिट्ठू बेटे धीरे धीरे बड़े होने लगे। खुदा ने वो दिन भी दिखाया कि उनके पर निकल आए और वो बाकायदा तोते की शक्ल के हो गए। अब उनकी पढ़ाई लिखाई की फिक्र हमारी बेगम साहिबा को चैन नहीं लेने देती थी और बेगम साहिबा के अलावा अब उनकी पढ़ाई लिखाई के चक्कर में मेरी नाक में दम था। जब देखिए तब वो पिंजड़ा सामने रखे उनको पढ़ा रही हैं और हम दाएं बाएं सर हिलाते हुए चू चू करते हुए देख रहे हैं। कई बार ऐसा हुआ कि कलम लिए बैठे हैं और कुछ लिखने का इरादा है, लेकिन बेगम साहिबा की चर चर और तोते की टें टें दिमाग में इस कदर गूंज रही थी कि कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या लिखें। अब बड़ी मुश्किल से जबरदस्ती लिखने का इरादा ही किया था कि बेगम साहिबा की आवाज और उनके प्यारे शागिर्द की टें टें इस इरादे को भी ले उड़ी। आखिर हमने हाथ से कलम रख दी और देखने लगा कि आखिर कैसे एक तोते को इल्मो तरबियत देकर आलिम बनाया जाता है। अब बेगम साहिब उसको पढ़ा रही हैं, मिट्टू बेटे बोलो सलाम वालेकुम, बोलो। अब मिट्टू बेटे बोल रहे हैं, अरे ये नहीं, बोलो सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह, बोलो बोलो बेटे, बोलो बोलो, प्यारा प्यारा मिट्टू है, मिट्टू बेटा है ना, सलाम करो बेटे। अच्छा कहो आदाब, बोलो। अरे बोलता क्यों नहीं है, बोलो सलाम वालेकुम।
अब बताइए ऐसी हालत में हमारा दिमाग किस तरह काम कर सकता था, और हमारे दिमाग में इसके सिवा और क्या ही आ सकता था कि मिट्ठू बेटे बोलो सलाम वालेकुम, बोलो वालेकुम सलाम। मिट्ठू बेटे तो खैर क्या दुआ सलाम सीखते, पर उल्टा हम सब कुछ भूल गए, बल्कि कभी कभी तो हमको ये महसूस होने लगा कि हम खुद मिट्ठू बेटे होकर रह गए। वो तो कहिए कि मिट्ठू बेटे कुछ ऐसे गधे थे कि उनको याद ही नहीं होता था और वो बस टें टें करके रह जाते थे, फिर भी सिर्फ उनकी टें टें आपकी दुआ से इतना असर रखती थी कि दिमाग को झंझना देती थी। खास तौर से उस वक्त जब कोई पिंजड़े पर हाथ रख देता था या उनके खाने की प्यालियों को निकालने के लिए पिंजड़े में हाथ डाला जाता था, उस समय तो बस पूछे ही नहीं, लगता था कि जैसे कयामत आ गई। एक तरफ तो वो अपने पंख फड़फड़ाकर पिंजड़े से जमीन और आसमान एक कर देते थे, और दूसरी तरफ उनकी लगातार टें 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 हमारे दिमाग को पागल कर देती थी। ये तो चलिए उनकी नासमझी और नादानी यानी बचपन का दौर था, लेकिन जब वो जवान हो गए और बुरे भले की तमीज करने लगे तब और मुसीबत आई। अब तो नेवले का दिखाई देना, बिल्ली का नजर आना, ये सब मुसीबत हो गया। बिल्ली को देखकर वो इस तरह चीखते थे कि मानो आखिरी बार चीख रहे हों और इसके बाद उनको हमेशा के लिए चुप हो जाना है। मजे की बात यह है कि एक तरफ वो चीखते थे और दूसरी तरफ हमारी बेगम साहिबा अपना जरूरी से जरूरी काम छोड़कर हट 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 बिल्ली बिल 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 कहती हुई दौड़ती थी। हजार बार कहा कि तुम बेकार दौड़ती हो, बंद पिंजड़े से बिल्ली तोते को थोड़ी निकाल सकती है, लेकिन उनको तो ये शक था कि कहीं बिल्ली को देखकर उनके तोते को हार्ट अटैक ना आ जाए। वैसे बिल्ली से बचाने के लिए जो एहतियात किए गए थे वो भी जरूरत से कुछ ज्यादा ही थे। जैसे एक तो पिंजड़ा खुद इतना छोटा था कि उसमें बिल्ली का गुजरना नामुमकिन था, फिर दिन भर वो पिंजड़ा बेगम साहिबा के दम के साथ ही रहता था, और रात को जमीन से 6 फुट की ऊंचाई पर टांग दिया जाता था कि बस बिल्ली की नजर तो जा सके लेकिन वो खुद ना पहुंच सके। ये तो कुछ भी नहीं, बिल्ली की गंदी नजरों से बचाने के लिए पिंजड़े पर एक कपड़ा भी डाल दिया जाता था। कहने का मतलब यह है कि बेगम साहिबा ने मिट्ठू बेटे को बिल्ली तो छोड़िए मुनकिन नकीर से भी छुपाने का इंतजाम कर लिया था, लेकिन इस किस्म की बातें अल्लाह मियां को बुरी लगती हैं, तो चलिए रहन देते हैं। खैर किस्सा बताते हैं। एक रात जब सारा घर गहरी नींद के खर्राटे ले रहा था, एक धमाके की आवाज के साथ मिट्ठू बेटे की टें टें ने सबको हड़बड़ा कर उठा दिया, और इसके साथ बेगम साहिबा की आवाज हाय मेरा मिट्ठू, हाय मेरा तोता, यह आवाज गूंजी। उनकी आवाज इतनी तेज थी कि शायद घर से निकलकर मोहल्ले वालों को भी जगा देने के लिए काफी थी। हम आंख मलते हुए बौखलाए हुए पिंजड़े की तरफ दौड़े, धड़कनें वैसी बड़ी हुई थी, इस पर बेगम साहिबा और हाथ पैर फुलाए दे रही थी। हम बिल्ली का पीछा भी कर रहे थे और बेगम साहिबा से भी कहते जा रहे थे अरे अरे ठहरो तो सही भाई, अरे जरा सब्र करो, चुप रहो, अरे कुछ नहीं होगा उसको। लेकिन वो थी कि बेकाबू हुई जाती थी। वो बोली अरे अब क्यों दौड़ रहे हो, क्या फायदा, कमबख्त ने मेरा मिट्ठू भी चबा डाला होगा, अल्लाह करे उस कमीनी बिल्ली को भी इसी तरह मौत आए। अरे मैं तो पहले ही दिन से जानती थी कि अगर मिट्ठू का पिंजड़ा ठीक ना कराया गया तो एक दिन यही होगा। पिंजड़े की खिड़की मुई जिस दिन से ढीली हुई थी उस दिन से लाख लाख बार कहा लेकिन किसी ने ठीक ना कराई, अब तो सबके कलेजे में ठंड पड़ गई होगी। हां बेचारा अब तो वो बोलने भी लगा था, इतना सा था इतना सा, जब मैं उसको खरीद कर लाई थी उसको पाला था, अब कैसा ताजा मोटा हो गया था, हाय मेरा मिट्ठू बेटा। हम आंगन में पहुंचे तो देखा बिल्ली ने वाकई मिट्ठू मियाँ को मुंह में दबा रखा था और वो टें टें कर रहे थे। मैंने देखा दाएं बाएं पास में एक लठ पड़ा हुआ था, मैंने उठाया और बिल्ली को दौड़ा दिया। बिल्ली भी फौरन उसे छोड़कर भाग गई। अब इधर बिल्ली भागी उधर वो मिट्ठू मियाँ पंख झाड़कर आराम से खड़े हो गए। हमें तो लगा था कि गए मगर वो आराम से खड़े थे। अब उनका मुआयना शुरू हुआ कि जख्म सख्त है या मामूली। बेगम साहिबा तो खैर अब भी नाउम्मीद थी, उन्हें लग रहा था कि अभी मिट्ठू बेटे को चक्कर आएंगे और वो वापस गिरेंगे और फिर कभी नहीं उठेंगे। लेकिन साहब कहीं कुछ नहीं, जाने कौन सी खुराक खिलाती थी इस पहलवान को, बंदे की एक जख्म ना आया, खुदा ने बाल बाल बचा लिया। उस वक्त तो हमें भी इस बात की बड़ी खुशी हुई कि चलो मिट्ठू मियाँ मच गए, लेकिन कसम खुदा कि इसके कुछ दिन बाद हमें लगा कि उस दिन आंगन में अगर लठ ना मिलता तो अच्छा रहता। अच्छा भला किस्सा यहीं खत्म हो रहा था, पर खैर एक दिन की मुसीबत सहकर खत्म हो जाने देते, लेकिन यह भी सही है कि जिसको खुदा रखे उसको कौन चखे। अब मिट्ठू बेटे की जिंदगी थी इसलिए बिल्ली उनका कुछ बिगाड़ ना सकी और वो जिंदा रहे। लेकिन हकीकत की बात बताएं, हमने महसूस किया कि अब हमें भी उनसे थोड़ी थोड़ी मोहब्बत होने लगी है। हाँ हमें देखकर जब चिचियाते थे तो मुस्कुरा तो हम भी देते थे,
अब तो उनकी तालीम भी खत्म हो गई थी, बल्कि पढ़ लिख कर वो पिंजड़े से ही दुआ सलाम करने लगे थे। हम पर तो ऐसे मेहरबान थे कि हमारा अब उनसे नाराज होना बनता भी नहीं था। सुबह तड़के सबसे पहले मिट्ठू बेटे की ही आवाज सुनाई देती थी, जो गुलशन को उठाते थे। सलाम वालेकुम, गुलशन उठ, गुलशन उठ। और उसके बाद वो सबसे पहले हमको देखते, तब अपने आप फरमाते थे, मियां आदाब, आदाब अर्ज करता है मिट्टू। और बेगम साहिबा का तो ये हाल था कि गोया जवान औलाद से उनका कलेजा ठंडा हो रहा है, बुढ़ापे में सुख पा रही है। जिस वक्त मिट्टू बोलता था, बस उनकी हालत देखने लायक होती थी। खुशी के मारे फूले न समाती थी, बल्कि फक्र के एहसास से खाकसारी में गर्दन झुका लिया करती थी। कहती थी कि हम इसलिए गर्दन झुका लेते हैं कि कहीं हमारी ही नजर न लग जाए। खैर, हंसने की बात नहीं है, ये तो होना ही था, बे औलाद की तरह पाला जो था। अब बेगम साहिबा का दिल बाग बाग होना तो बनता ही था। एक दिन रोज की तरह हम सोकर उठे तो मिट्ठू बेटे ने हमसे कहा, मैं आदाब अर्ज करता आपका मिट्ठू बेटा। अब कोई जानवर आपको सलाम करे तो आप उसे वालेकुम सलाम तो कहेंगे नहीं, हां कहते हुए थोड़ा अजीब लगेगा, तो मैं बस मुस्कुरा देता था। इस पर बेगम साहिबा कहती थी, अजीब हो तुम, जवाब क्यों नहीं देते हो, अरे ईमान चला गया क्या तुम्हारा? हमने पिंजड़े की तरफ देखा और झिझकते हुए कहा, वालेकुम सलाम, जीते रहो मिट्ठू बेटे। मिट्ठू बेटे ने खिड़की से गर्दन निकालकर फिर कहा, मियां आदाब करता है मिट्ठू बेटा। और उन्होंने इतना कहा ही था कि पिंजड़ा एक तरफ झुकने की वजह से अचानक अलग होकर जमीन पर आ गिरा। अरे अरे ए, देखो, हम दोनों एक साथ चीखे, लेकिन हमारे चीखने से क्या होता, मिट्ठू बेटे फुर्र से उड़कर ये जा वो जा, बेगम साहिबा अरे 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 कहकर रह गई और हम उनकी तोता चश्मे देखते रह गए। अब मंजर देखिए, वही मिट्ठू बेटे जिन्हें इस घर का चश्मो चिराग बनना था, जिन्हें पढ़ाया लिखाया गया, वफा दी गई, वो पहले तो उड़कर दीवार पर जा बैठे, लेकिन जैसे ही उनको पिंजड़ा दिखाकर कहा गया, आओ आओ मिट्ठू बेटे आओ, वो वहां से उड़कर गुलर के पेड़ पर और फिर वहां से खुदा जाने कहां उड़ गए। दुनिया देखती रह गई और मिट्ठू बेटे घर छोड़कर लापता हो गए। खैर, उनका पिंजड़ा अब तक मौजूद है, जिसको देखकर बेगम साहिबा ठंडी आहें भरती हैं। हाँ, उनके चने की दाल वाली वो छोटी छोटी कटोरियां खुदा जाने कहां गई। खाली पिंजड़ा अब वहीं लटका रहता है। आते जाते हम भी उसको देखते हैं, जिसमें से अब कोई हमें सलाम नहीं करता। सुनिए पूरी कहानी स्टोरी बॉक्स में आज तक रेडियो या अपने फेवरेट ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जैसे स्पॉटिफाई, विंक म्यूजिक, गूगल पॉडकास्ट और एप्पल पॉडकास्ट पर।